पहले ज्यादा भाई का टोरा इतना खतरनाक है, आप समझ सकते हो कि एक डीएसपी का वेलकम बैक टू मैन अदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब, आई होप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। सो गाइस, आज का ब्लॉग क्या तो लंबा होने वाला नहीं है, क्योंकि आज के ब्लॉग में आपको अलेश यादव भाई के बारे में कुछ बातचीत बताने जा रहा था। क्या कुछ दिन पहले अलेश यादव भाई ने भी, दो तीन दिन पहले की बात है, जयपुर में उन्होंने एक मीटअप रखा था, यानी अपने फैन से मिलने का कार्यक्रम रखा था। लेकिन गाइस, उन्होंने अंदाजा किया था कि शायद 500 से 700 लोग वहाँ पर आ पाएंगे, तो अब उनसे आसानी से उन्होंने एक कैफे बुक कर रखा, डेस्टिनेशन कैफे वैशाली नगर में जयपुर में जो है उसने बुक कर रखा था अलेश यादव भाई ने। उन्होंने सोचा 500-700 लोग आएंगे, उन सबसे आप आसानी से मिल लूँगा, मीटअप रख लूँगा। लेकिन गाइस हुआ बिल्कुल उल्टा। गाइस 500-700 बजे कम से कम 7-8 हज़ार लोगों की भीड़ वहाँ पर आ गई और इतना चक्का जाम हो गया, ट्रैफिक लग गया। गाइस मैं भी उनसे जयपुर में पर्सनली 300 किलोमीटर दूर उनसे मिलने के लिए गया था अलेश यादव भाई से, लेकिन गाइस इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी कि पुलिस और आर्मी का भी सीन हो गया था। सो अलेश यादव भाई को अपना पूरा प्रोग्राम मीटअप को कैंसिल करना पड़ रहा है। हालांकि गाइस उन्होंने कोशिश की थी कि अपने फैन से मिल सकूँ, लेकिन गाइस बिल्कुल नहीं मिल पाए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हुई थी। गाइस अलेश यादव भाई का टोरा इतना खतरनाक है, आप समझ सकते हो कि एक डीएसपी का बेटा, जयपुर का डीएसपी का बेटा अलेश यादव भाई से मिलने के लिए गया था। हालांकि गाइस मिल नहीं पाए थे वो, क्योंकि वहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा हुई थी कि उनको अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा था। गाइस आप समझ सकते हो अलेश यादव भाई का तो फूको बदमाश है। भाई आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।